सवाल ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास सवाल आ गया है, और ये सवाल है ब्राइटकॉम को लेकर। 1400 शेयर हैं 62 रुपए के भाव पर। कई बार लोग क्या करते हैं ना कि शेयर बाजार को लॉटरी मान के, सट्टा मान के, फिर उसमें दांव पेच अपने चलते हैं, लेकिन वो सही बैठते हैं नहीं। ब्राइटकॉम 9 रुपये से, 10 रुपये से कम का इसका भाव था, वहां से ये शेयर चलना शुरू हुआ। 100 रुपये से ऊपर के भाव देखिए। आउटडोर एडवर्टाइजिंग से जुड़ी ये कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ कुछ दिक्कतें थीं और उसके चलते विवादों में फंसी। शेयर का भाव गिर के फिर से 10 रुपये के नीचे आया और अब 19 रुपये के आसपास है। 62 रुपये की खरीद है निवेश जी। ब्राइटकॉम सलाह क्या होगी, क्या फ्यूचर ब्राइट है या फिर सिर्फ नाम ही ब्राइट है? देखिए, मार्केट के ने एक चीज जो है वो क्लियर रखी है कि जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आएंगे वहां पर मार्केट उसको वैल्यूएशन नहीं देगा और वहां पर बाइंग नहीं आएगी, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी कंपनी हो, कितने भी अच्छा बिजनेस मॉडल हो। ब्राइटकॉम की भी यही सेम स्टोरी है। मुझे लग रहा है कि आपको एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई खास वजह नहीं दिख रही है स्टॉक के प्राइस को फिर से आपके बाइंग प्राइस पे देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि व्यू मेरा जो है वो क्लियर है, आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, एग्जिट कर दीजिए। जो पूंजी अब बच रही है उसको बचा लीजिए। कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज हैं, और ऐसे इश्यूज जहां पर होते हैं वहां पर मान के चलिए कि अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं, और वो शेयर के भाव में आपको अब तक दिख भी गया होगा। थोड़ा सा नीचे आने पर आपने लेने की कोशिश की भाव को देखकर, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया है। चलिए इसको करेक्शन कीजिए, बाजार में ऐसे लर्निंग्स भी होते हैं कई बार, इस तरह की गलतियां, तो ये सलाह।